हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी 56। तो आज हम लेके आए हैं परजीवी से होने वाले रोग। परजीवी से कौन कौन रोग होते हैं, उनके नाम कैसे जानेंगे, उसके बारे में हम कौन सी ट्रिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही आसान होने वाली है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। चलिए न ज़्यादा बात करते हुए डायरेक्ट चलते हैं हम ट्रिक पे। तो नो ड्रामा नो बकवास, सुन ले अपना क्लास, चलिए चलते हैं। ट्रिक क्या है, इसके पहले ही आपसे कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, यदि एजुकेशन चैनल के लिए थोड़ी सी भी दिल में इज्जत है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमारा सपोर्ट कीजिए। बस इतना ही था, आप चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए कौन सा ट्रिक है और किस ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे कि परजीवी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो ट्रिक है कासोम पेप। ट्रिक क्या लिखेंगे, का सोम पेप, कासोम पेप, ये है हमारी ट्रिक कासोम पेप। अब इससे क्या बनेगा, तो सबको अलग करेंगे। पहले का, उसके बाद सो, उसके बाद म, उसके बाद पे, उसके बाद प, ये है हमारा ट्रिक कसोम पेप। तो का से क्या होगा, काला बाजार, काला जार, ये हमारा पहला रोग हो गया का से। सो से हो गया हमारा सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। म से क्या हो जाएगा हमारा, मलेरिया, मलेरिया। अब हो गया पेच, हो गया पेचिस, और पाय से हो गया यानी प से पायरिया। क्या हो गया, पायरिया। देखिए परजीवी से होने वाले रोग सबसे महत्वपूर्ण है कि ट्रिक याद रखें। ट्रिक क्या है, कासोम पेप। का से हो गया काला बाजार, काला जार, और ऐसे रहेगा। सो से हो गया सोने की बीमारी यानी नींद आने वाली बीमारी। मौस हो गया मलेरिया, पेस हो गया पेचिस, और पौस हो गया पायरिया। तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रिक कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। बस इतना ही था, चलिए वीडियो बंद करते हैं, धन्यवाद।